योगेश, भारत और चमन ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किया करते हैं। इनमें से जो भारत है उसको गारंटी दी गई है कि उसका मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ₹1 लाख से कम नहीं होगा। अब ये गारंटी दी किसने है वो आपको क्वेश्चन में नहीं बता रखा है, इसलिए इसे आप गारंटी बाय फर्म समझिएगा, ठीक है बच्चों? तो इट्स अ गारंटी बाय अ फर्म या बाय द फर्म, ठीक है, टू भारत। तो ये 1 लाख प्रॉफिट की जो गारंटी है वो भारत को फर्म के द्वारा दी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको ये भी दे रखा है क्वेश्चन में कि भारत को सैलरी दी जाएगी ₹5,000 पर मंथ, ठीक है बच्चों? अब आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वो दे रखा है ₹3,30,000। और इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, ठीक है बच्चों? तो आइए देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले ये थोड़ी सी वर्किंग कर लीजिए। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत की सैलरी है वो 5,000 पर मंथ दे रखी है, तो उसको ×12 कर दीजिए ताकि पूरे साल की सैलरी पता चल जाए कितनी है, ₹60,000। अब फर्म का जो प्रॉफिट है वो है ₹3,30,000, लेकिन उसमें से आपको पहले सैलरी हटाना होगा, जो प्रॉफिट बचेगा उसको आपको बांटना है अमंग द पार्टनर्स। अब प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने से पहले आप भारत के हिस्से का प्रॉफिट देखिए कि वो कितना आ रहा है, क्योंकि भारत को गारंटी फर्म ने दी है, पार्टनर्स ने नहीं दी है। तो ऐसे में सबसे पहले उसी पार्टनर का प्रॉफिट निकाल के देखना चाहिए जिसको गारंटी दी गई है, ठीक है बच्चों? तो 2,70,000 का 1/3 निकालेंगे बिकॉज ये तीनों इक्वल पार्टनर हैं। तो भारत के हिस्से का एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है ₹90,000, जबकि उसे गारंटी कितनी दी गई है बच्चों, ₹1 लाख की। अब गारंटी 1 लाख की दी गई है और एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है ₹90,000, तो अंडरस्टूड है कि भारत क्या लेगा, भारत को मिलेगा ₹1 लाख, ठीक है बच्चों? तो फर्म सीधा सीधा उसको ₹1 लाख दे देगी एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब फर्म का रिमेनिंग डिविजुअल प्रॉफिट कितना आया वो समझ लीजिए। भाई वैसे डिविजुअल प्रॉफिट था 2,70,000, लेकिन अब भारत को उसका मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट हमने दे दिया 1 लाख, तो फर्म का रिमेनिंग डिविजुअल प्रॉफिट आया ₹1,70,000। सही है बच्चों? अब इस 1,70,000 को भारत को उसका मिनिमम गारंटी प्रॉफिट देने के बाद जो डिजिटल प्रॉफिट बचा है इसको बांट दीजिए योगेश में और चमन में उनके आपस के रेशियो में, जो कि है 1:1। तो योगेश का डिजिटल प्रॉफिट आ जाएगा 1,70,000 का हाफ यानी कि 85,000, और चमन का डिजिटल प्रॉफिट भी सेम आ जाएगा 1,70,000 का हाफ यानी कि 85,000। अब बना लेते हैं बच्चों अपना हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप जब बनाएंगे तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दीजिए, यहां पर 3,30,000 जितना फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया था। भारत की सैलरी लिख दीजिए जो आपको पता है कैसे आई थी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, चलिए 60,000। और अब आप इनका जो प्रॉफिट है, जो फाइनली इनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया था, वो लिख लीजिए। और हमने ये काम वर्किंग नोट में कर दिया है, तो यहाँ पे आप ऐसे डाल दीजिएगा वर्किंग नोट, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपने ये अमाउंट कैसे निकाले थे। योगेश में लिखिए 85,000, भारत में लिखिए 1 लाख, और चमन में लिखिए 85,000, टोटल में लिखिए 3,30,000। और ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वर्किंग पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों? ठीक है बच्चों,